दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव। दोस्तों कल लाइव के माध्यम से तमाम भर्तियों के लेकर मैंने चर्चा की थी, लेकिन जो रीढ़ शिक्षक भर्ती 2020 को लेकर जो 11 लाख बेरोजगार इंतजार कर रहे थे, आज जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, एक आदेश जारी हुआ है, पात्रता में आरक्षित पद को छूट को लेकर वो जारी हो चुका है। 14 दिसंबर को आचार संहिता हटी थी और प्रोसेस शुरू हो चुका है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने तैयारियां स्टार्ट कर दी है, जल्द ही विज्ञप्ति जारी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विज्ञप्ति और परीक्षा तिथि की जल्द घोषणा होगी। प्रदेश के 11 लाख बेरोजगार लगातार इंतजार कर रहे थे, उनका दर्द मुझे पता था। 22 नवंबर को मैंने उनकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी थी और अभी 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी को मैंने फिर एक बार अवगत करवाया था कि प्रदेश के 11 लाख बेरोजगार परेशान है, दुखी है, जिस जल्द से विज्ञप्ति जारी हो। दोनों बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वास दिलाया था कि जल्द ही सरकार इस पर एक्शन लेगी और आपने देखा होगा आज से कार्य शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, हालांकि उन लोगों से आप लोगों को बचकर रहना जो हमेशा केवल आप लोगों को परिमित करने की कोशिश की है। यदि रीट की विज्ञप्ति इस महीने में जारी नहीं होती तो यही लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते कि आप तो मुख्यमंत्री जी से मिलकर आए थे, क्या हुआ, आपने तो मुख्यमंत्री से बात की थी, क्या हुआ, आप धरना प्रदर्शन करोगे कि नहीं करोगे। मैंने एक ट्वीट किया था कि 20 तारीख तक यदि रीट को लेकर कुछ नहीं होता है तो धरना प्रदर्शन और अनशन मैं करूंगा। कल लाइव में भी बोला था कि इस महीने में कुछ नहीं होता तो मैं खुद अनशन पे बैठूंगा या धरना प्रदर्शन करूंगा। मैंने कल भी कहा था, मेरी बात पर पहले भी कायम था, आज भी कायम है, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी। मुख्यमंत्री जी बहुत जल्द रीट शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति और परीक्षा तिथि को लेकर घोषणा करेंगे। जहां तक संभावना है कि आपने देखा होगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एग्जाम 15 मई से स्टार्ट हो रही है, तो 15 मई से पहले आपकी एग्जाम होगी और पूरा विश्वास है कि अप्रैल मई में आपकी एग्जाम हो सकती है। 100% संभावना अप्रैल महीने की है। जो लोग 11 लाख रोजगार तैयारी करें वो तैयारी जारी रखें, भ्रमित करने वाले अभ्यर्थियों से दूर रहें। जिन लोगों ने अफवाह फैलाई थी कि एग्जाम नहीं होगी, जुलाई तक जाएगी, विज्ञप्ति इस महीने में जारी नहीं, ऐसे लोगों से बचकर रहें, क्योंकि वो दो तरह के लोग होते हैं। काम हो जाएगा तो कह देंगे कि सरकार ने किया, कुछ नहीं हुआ ये तो लोग झूठ बोले थे, नहीं होता तो इन लोगों ने क्या किया, ये कुछ नहीं करे, तो दोनों तरह वो बातों को घुमाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमने लगातार प्रयास किया, आपने देखा होगा कि 22 नवंबर को मुख्यमंत्री से मिले, 12 तारीख को मैंने बात की, दोनों बार आपकी बात मजबूती से रखी, आपकी मांग, और मुख्यमंत्री जी ने जो अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए कि जो उन्होंने कहा कि जल्द ही वो घोषणा करेंगे, अब एक दो दिन में आपके सामने खुशखबरी सामने आ जाएगी, बहुत जल्द इसी महीने में आपकी विज्ञप्ति जारी होगी। इसी महीने में कल भी होता, परसों भी होता, दो तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, जो महीने के दिन बचे वो इसी महीने में होते हैं, तो जल्द आपकी विज्ञप्ति जारी होगी, जल्द परीक्षा तिथि घोषणा होगी, क्योंकि ऑफिशियल घोषणा बाकी है, संभावना अप्रैल की है। तो मुख्यमंत्री जी ने जो हमसे वादा किया था वो धीरे धीरे अपने वादा पूरा कर रहे हैं और जल्दी आपकी परीक्षा तिथि और विज्ञप्ति जारी होगी। शिक्षा मंत्री जी ने भी सहमति जता दी है, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा है और जल्दी आपके सामने परीक्षा तिथि और विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। हमने पद बढ़ाने की मांग भी की थी, लेकिन ये पात्रता परीक्षा है, इसकी विज्ञप्ति जल्द जारी होगी। इसलिए जो 11 लाख बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं वो अपनी तैयारी जारी रखे, भ्रमित करने वाले लोगों से बच कर रहे, उनको जवाब आप लोग देते रहे। इसके अलावा रीट 2018 की एक और सूची का मामला, कल माननीय जो एजुकेशन सेक्रेटरी मैडम से मैं खुद मिल के आया था, उन्होंने कहा था कि आज वो आदेश जारी कर देंगे, लेकिन जो आज किस कारण से आदेश नहीं हो, कई लोग सुबह से इंतजार कर रहे थे कि आज आदेश जारी हो जाएंगे बीकानेर को, लेकिन दोस्तों कई अभ्यर्थियों ने अलग अलग तरह की एप्लीकेशन दी थी कि ऐसा रिजल्ट आना चाहिए, ये होना चाहिए, पलाना होना चाहिए, डिख होना चाहिए, लेकिन सेक्रेटरी जी जो है, वास्तव में मैं उनको मानता हूँ, बहुत स्पष्टवादी है, नियमों के अनुसार चलने वाली है मैडम है, सटीक है, और वो बोलते हैं कि काम करने वाली है। तो उन्होंने जो संबंधित अधिकारियों को कल वापस बुलाया है कि रिजल्ट कैसे निकालना है, कब निकालना है और कब तक परिणाम जारी करना है, वो सारी चीजें कल निर्देश अधिकारियों को दे देंगे। तो दोस्तों, इस चीज से चिंतित ना रहे, हमारी सूची जारी होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, शिक्षा मंत्री जी ने सहमति जता दी थी और मुख्यमंत्री जी की घोषणा जल्द पूरी होगी। लेकिन ये ना सोचे कि एक एक दिन निकल रहा आप परेशान हो कि आज भी नहीं हुआ, कल के लिए कहा था, तो इसलिए आप इससे चिंता मुक्त रहे, क्योंकि मैडम चाहती है कि आपकी जो सूची जारी है, कई लोग जो पहले से तैयार बैठे कि सूची जारी हो और हम कोर्ट भूल जाते, तो वो चाहते हैं किसी प्रकार की न्यायिक समस्या नहीं आए, पारदर्शिता के साथ सूची जारी हो, किसी वर्ग के साथ गलत ना हो, और कैसे निकालना है, क्योंकि आप समझे, क्योंकि 50 से ज्यादा प्रकार के रिजल्ट है, मैंने पहले ही बताया था, एसटीएससी कैटेगरी अनुसार है, विषय अनुसार है, तो कई किस प्रकार निकालना है, अलग अलग लोगों की शिकायतें एप्लीकेशन आई थी, तो कल अधिकारियों को यहाँ से निर्देश मिल जाएंगे। अच्छी बात है, यहाँ से आज आदेश चले जाते, फिर वो अधिकारी फिर पूछते
फोन करके साहब कैसे निकालना है, क्या करना है, तो अच्छी बात है कल मीटिंग हो जाएगी तो स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे रिजल्ट निकालना है, कब तक रिजल्ट निकालना है, तो अच्छी बात है वहां निर्देश दी जाएगी, तो इसलिए समय नहीं लगेगा, कोई प्रक्रिया हमारी कोर्ट में ना बोलिए, इसलिए दोस्तों आप चिंतित मत रहो, मैं खुद मिल के आया था, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा समय लग रहा है लेकिन ये छात्र हित में लग रहा है, इसलिए कल जब उनकी मीटिंग होगी दिशा निर्देश उनको मिल जाएंगे रिजल्ट कैसे और कब तक निकालना है, उसके बाद आपके आदेश निकालने निर्देशन चले जाएंगे। मैं लगातार आज भी गया था, कल भी गया, लगातार मैं खुद पीछे भाग रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए आप लोग चिंता मुक्त रहें, इतने दिन आप लोगों ने इंतजार किया है, थोड़ा सा और इंतजार कर लो, जल्द ही बीकानेर निर्देश में चले जाएंगे, उसके बाद आपकी सूची जारी हो जाएगी, आप चिंता मुक्त रहें, मैं लगातार खुद जा रहा हूँ, मैं खुद जा रहा हूँ आज भी जाके आया हूँ, इसलिए लोगों की बातों में नहीं आना। कई लोगों ने तो कोशिश की थी कि आपकी सूची रुकी, उनके मसूम पे बिल्कुल नाकामयाब हो गए, और उनमें कोई दम भी नहीं है, जब आपका भाई आपके साथ है, सीना ठोक के आपके साथ है, उन लोगों के मंसूबे खराब किए ना, तो उन लोगों को हर जगह मात दिया, आगे मात देंगे, आपकी सूची भी जारी होगी। इसके अलावा जो पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के अभ्यर्थी मुझे मिले थे, मुख्य सचिव साहब को हमने ज्ञापन सौंपा है, मुख्य सचिव साहब ने कहा कि आपकी फाइल वित्त विभाग में है और मैं मुख्यमंत्री जी से एक बार और बात करूंगा, उन्होंने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है। उसके बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पेशल जो सक्षम अधिकारी मुख्यमंत्री जी, उनको भी मैंने ज्ञापन सौंपा है, और अब इसमें मुख्यमंत्री जी एक बार फिर चर्चा होगी। पंचायत राज एलडीसी भर्ती जो 10,038 पदों पर उनकी बात किया, मुख्य सचिव ने अच्छा रेस्पॉन्स दिया, तो कोशिश है वो भर्ती भी जल्द से जल्द पूरी हो। इसके अलावा एडम जीडम के लिए विजयपाल से बात होगी, वो जल्दी जयपुर आ रहा है, तो उसे वेट कर उसके लिए भी प्लानिंग बनाई जाएगी। इसी वीडियो पर जैसे ये लगा और भर्तियों के बारे में कल आपको लाइव में बता दिया था, लेकिन ये 2018 वाले जो आज इंतजार कर रहे वो थोड़ा सा टाइम रखे, वो कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, और जो कुछ होना था वो आपको मैंने कल बता दिया था। जय हिंद, जय भारत।